अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे अफराद जो माली मजबूरी की बिना पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं, खत्म करवाना चाहते हैं, तो उन तमाम अफराद को पॉलिसी खत्म करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो तमाम इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों पॉलिसी खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुतल्लिका जोन जाना होता है जहाँ से आपने पॉलिसी इशू करवाई थी। वहाँ जाकर आपने कहना है कि मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे सिलेंडर फॉर्म सेट दिया जाए। दोस्तों सिलेंडर फॉर्म फिल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका अटेस्टेड CNIC कॉपी चाहिए होगा, जो कि आप बैंक मैनेजर से भी अटेस्ट करवा सकते हैं, जहां से आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाएंगे। दोस्तों स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो आपको पेमेंट अदा करेगी सिलेंडर वैल्यू की मद में, वो आपके अपने बैंक अकाउंट में आएगी, तो इसके लिए आपका अपना बैंक अकाउंट ओपन होना लाजमी है। इसके अलावा दोस्तों एक विटनेस की कॉपी चाहिए होगी, जो किसी की भी हो सकती है। इसके अलावा पेमेंट जो कि आपके अपने अकाउंट में आएगी, इसके लिए आप जो है अपना बैंक अकाउंट का एक चेक जो है उसकी एक कॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, ताकि पेमेंट जो है बआसानी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से एक फॉर्म मिलेगा जिसको प्रे रिसीट डिस्चार्ज वाउचर कहते हैं, इसको आप फिल करेंगे, जिस पर आप अपना पॉलिसी नंबर मेंशन करेंगे, विटनेस की डिटेल मेंशन करेंगे और अपनी डिटेल मेंशन करेंगे, और इस फॉर्म को आप अपने मुतालका बैंक लेके जाएंगे जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ के जो बैंक मैनेजर है उनसे आप इसको तस्दीक करवाएंगे। इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन भी लिखनी होगी, जिसमें आप अपनी वर्डिंग के मुताबिक जो है मेंशन कर सकते हैं कि आप कुछ असल वजूहात की बिना पे जो है पॉलिसी को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, लिहाजा आपकी इस दरख्वास्त को कबूल किया जाए, और इसमें जो है आप अपना साइन, अपना थंब, एड्रेस और पॉलिसी नंबर, नाम वगैरह सब मेंशन करेंगे। दोस्तों इसके अलावा एक और फॉर्म होगा जिसको प्रोफॉर्मा फॉर सिलेंडर पॉलिसी कहते हैं, इसमें आप अपना पॉलिसी नंबर मेंशन करेंगे, अपना नाम मेंशन करेंगे और जो भी आपकी पॉलिसी है यानी प्लान जो है आपका उसका नाम मेंशन करेंगे। और ये चूंकि ये फॉर्म जो है बेसिकली जब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और अपना फॉर्म वगैरह फिल करके टेस्ट करवा के बैंक से वेरीफाई करवा के जब जमा करवाने जाएंगे, उस वक्त जो है आप स्टेट लाइफ के ऑफिस में जो है सेक्टर हेड और जोनल हेड होते हैं उनके सामने बैठ के इस पर जो है डिटेल मेंशन करेंगे और अपना नाम और साइन वगैरह करेंगे। इसके अलावा जो है आपके पास जो है जब आप ये तमाम चीज़ें सबमिट करवाएंगे तो आप अपनी ओरिजिनल जो फाइल होगी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की वो भी इसके साथ जो है आप अटैच कर देंगे। तो दोस्तों ये सिंपल प्रोसेस है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को सरेंडर करवाने का, और ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, चूँकि आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है, इस वजह से शायद हो सकता है आपको ये मुश्किल लगे। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए जो है आप अपने जो नुमाइंदे हैं जिसके थ्रू आपने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी उससे आप राबता करेंगे, ताकि वो इसको सरेंडर करवाने में आपकी हेल्प कर सके। इसके अलावा सिंपल प्रोसेस है, ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आपको सिंपल जो है पॉलिसी ख़त्म करवाने के लिए अपनी ओरिजिनल फाइल स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस लेके जानी है, अपना CNIC कॉपी लेके जाना है, विटनेस की कॉपी लेके जानी है, और वहाँ पे सिलेंडर का फॉर्म लेना है, उसको फिल करना है, उसके बाद जो है आपको अपने मुतल्लिका बैंक जाना है जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ पे बैंक मैनेजर से वेरीफिकेशन करवानी है, अटेस्ट करवाना है कि यहाँ पे आपका बैंक है, एक्टिव है, उसके बाद जो है आपको ये तमाम चीज़ें लेके उस पर एक अपना चेक जो है चेक की कॉपी भी लगानी है, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को लेके तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में सबमिट करवाना है, तो उसके बाद जो है आपके अपने बैंक अकाउंट में जो है पेमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस हवाले से अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सअप का स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618209। थैंक फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज। आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।